पीएम मोदी को किसने दिया देशभक्ति का सर्टिफिकेट? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के बारे में ही सोचते हैं? वैसे तो पीएम मोदी के एजेंडे में हमेशा से इंडिया फर्स्ट रहा है। वो अक्सर कहते भी रहे हैं कि उनके लिए देश सबसे पहले है, चाहे विदेश नीति हो या फिर पाकिस्तान से निपटने की मोदी सरकार की रणनीति। इसको लेकर भले ही देश में पीएम मोदी को सवालों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उन्हें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का साथ मिला है। भारत के 6 दिवसीय दौरे पर आए इजरायली पीएम ने नरेंद्र मोदी को न सिर्फ महान देशभक्त करार दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वो जो कुछ भी करते हैं अपने देश के लिए ही करते हैं। एक न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत बड़े देशभक्त हैं और जो भी देश के हित में होता है वो वही करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पीएम मोदी जब आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी और सब्जी उत्पादन में इजाफे के बारे में सोचते हैं, तब वो केवल ये नहीं सोच रहे होते कि इसमें इसराइल के लिए क्या अच्छा है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है। और मुझे लगता है कि वो सही भी हैं। इस दौरान नेतन्याहू पीएम मोदी के पाकिस्तान से निपटने की नीति का भी समर्थन करते नजर आए। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को सही करार देते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि भारत को अपनी धरती की रक्षा करने का अधिकार है। अपने भारत दौरे को बहुत ही भावनात्मक और अति संतोषजनक बताते हुए नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच के संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ एक महान शक्ति के रूप में ही सम्मान नहीं करते, बल्कि उनका एक विशेष संबंध है, क्योंकि हम दोनों लोकतंत्र हैं, हम दो प्राचीन संस्कृतियां हैं जो आधुनिक लोकतांत्रिक हैं। आपको बता दें कि करीब 14 साल बाद किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू के स्वागत में जिस तरह की गर्मजोशी दिखाई, उसकी कीमत भी नेतन्याहू ने मोदी को सबसे बड़ा देशभक्त कहकर चुका दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।